अगली खबर लेते हैं। कृषि कानूनों को लेकर जैसा माहौल भारत में है, वैसा ही कुछ दुनिया के दूसरे देशों में बसे भारतीयों के बीच भी बन चुका है। जैसे जैसे किसान आंदोलन लंबा हो रहा है, किसान समर्थकों और भारत सरकार के समर्थकों के बीच, मोदी सरकार के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ रहा है। तनाव बढ़ने का नतीजा सिडनी में दिखा है, जहां सिख समुदाय के लोगों की कार पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कुछ अज्ञात लोग बेसबॉल बैट और हथौड़ों से उस कार पर हमला कर रहे हैं जिसमें ये सिख बैठे हुए हैं। हालांकि सिखों को इसमें चोट नहीं आई, लेकिन कार में $10,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये वाकया बीते हफ्ते सिडनी वेस्ट के हारिस पार्क में हुआ। कार पर हमला होने पर सिखों ने तेजी से कार को भगाया और वहां से निकल गए। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल 7 न्यूज के मुताबिक कार में मौजूद उस समय मौजूद एक सिख ने बताया कि हमलावर कार पर चारों तरफ से हमले कर रहे थे और उसमें किसी की भी मौत हो सकती थी। कुछ हफ्ते पहले एक और वीडियो सामने आया था जिसमें दिखा था कि सिख समुदाय के एक शख्स पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। सिडनी में रहने वाले कमल सिंह ने 7 न्यूज से कहा कि वे एक दूसरे से नहीं झगड़ना चाहते और शांति से रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि भारतीय ही भारतीयों से लड़ रहे हैं। बता दें, जब से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठे, उनके समर्थन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, लंदन, बर्मिंघम, कैलिफोर्निया, ऑकलैंड सहित दुनिया के कई देशों और शहरों में जहां सिखों की अच्छी आबादी है, वहां किसान रैलियां निकाली जा चुकी हैं और अभी भी प्रदर्शन जारी है। तो आप देखिए कि जो सरकार की नीतियां हैं, उसने कैसे देश को बांट दिया है, देश के लोगों को बांट दिया है कि देश के अंदर तो इस तरह की घटनाएं हो ही रही हैं, लेकिन देश के बाहर जहां सारे भारतीय एक हो जाते हैं भारतीयता के नाम पर, वहां भी इस तरह का बंटवारा हो गया है। हिंदू और सिखों में बंटवारा खिंच गया है, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अभी तो हमला भारतीय हिंदू भारतीयों का हमला हुआ है सिखों पर, और ये बताता है कि बाहर रहने वाले जो भारतीय हैं, लोकतांत्रिक देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, वो भी कितने लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक हैं। वो अपने ही देश के लोगों की आवाजों को दबाना चाहते हैं। आखिरकार वो प्रदर्शन ही कर रहे होंगे और किसानों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे होंगे, तो ये हक है, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं है क्योंकि वो मोदी भक्ति में लीन है। वो दरअसल एक संकुचित हिंदुत्व की गिरफ्त में आ चुके हैं और उन्हें देश हित और भारतीयता से कुछ भी संबंध नहीं है। उन्हें लोकतंत्र का सम्मान करना भी नहीं आता है। तो ये बहुत ही दुखद पक्ष है कि बाहर भी अब देश की बदनामी भी हो रही है, क्योंकि अगर बाहर इस तरह से भारतीय ही आपस में लड़ रहे हैं तो विश्व को क्या संदेश मिलता है? यही कि भारत में माहौल बहुत खराब हो चुका है। वहां एक समुदाय दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक तरफ हिंदुत्ववादियों ने मुसलमानों पर हमले किए और अब सिखों पर हमले शुरू हो गए हैं। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो और चाहे ईसाई हो, वो सब अब हिंदुत्व के निशाने पर हैं, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जाहिर है भारत की छवि खराब हो रही है। भारत के अंदर मैं अभी पिछली 2-3 खबरें आपको पढ़ चुका हूँ, उन सब में यही दिख रहा है कि भारत की छवि लगातार बिगड़ रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, आजादी फीकी पड़ रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।